राजधानी रायपुर में बीते दिनों से नगर निगम अमला अतिक्रमण हटाने को लेकर सक्रिय नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सिविल लाइन क्षेत्र में भी बिना अनुमति के सालों से लगाए गए ठेले गुमटियों पर कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने दुकानों का सामान जब्त किया और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी। बता दें कि सिविल लाइन थाने से केवल 100 मीटर दूरी पर अतिक्रमण किया गया था। राजधानी रायपुर में हुए अतिक्रमण को लेकर लगातार नगर निगम की जो टीम है वो अतिक्रमण हटाने में लगी हुई, और एक बार फिर से सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत देखते कि निगम अमला यहां पर पहुंची और जो अतिक्रमण हुए सालों से अतिक्रमण हुए उसे अब यहां पर हटाया जा रहा है। ये बिना नियम के विरुद्ध यहाँ पर बिना NOC लिए सालों से यहाँ पर ठेले गुमटी का संचालन यहाँ से किया जा रहा था। लगातार शिकायतें जो है वो भी मिल रही थी, नशीली पदार्थों का भी यहाँ पर बिक्री लगातार किया जा रहा था, और इसके खिलाफ में अब नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची, उनके साथ में पुलिस बल भी यहाँ पर पहुँची है, और अब इन्हें सख्त हिदायत भी दी जा रही है ताकि अब ये अतिक्रमण हटाने के बाद फिर से उनके द्वारा यहाँ पर ठेला लगाकर इसका संचालन ना किया जाए, इसके लिए चेतावनी भी इन्हें दी गई है। आप देख सकते हैं कि सिविल लाइन थाना के सामने ही यह अतिक्रमण सालों से था। यहाँ पर सर्किट हाउस है जहाँ पर सारे VIPs आते हैं और वहाँ उनका रुकना भी होता है, उनके सामने में ये जो अतिक्रमण है वो सालों से किया जा रहा था। यहाँ पर कुछ और भी ठेले हैं, इन्हें जो है वो समय दिया गया है कि ये NOC लाए और उसके बाद फिर इन ठेलों का संचालन जो है वो यहाँ से किया जा सके। देख सकते हैं कि अब बड़ी संख्या में यहाँ पर जो निगम के अमला है वो यहाँ पर पहुँचे और उनके द्वारा अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है, कार्रवाई की जाती है। लेकिन राजधानी रायपुर में फिर से वही ठेले गुमटी कुछ दिनों के बाद, कुछ माह के बाद में फिर से लगा दिए जाते हैं, जिसके चलते यातायात फिर से बाधित होते हैं। अब फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि इन जो अतिक्रमण हटाया गया है वो कब तक रहेगा, क्या फिर से यहाँ पर संचालित किया जाएगा, या नगर निगम की टीम लगातार यहाँ पर देखा जाएगा कि उनके द्वारा फिर से अतिक्रमण हुआ है या नहीं, क्योंकि ये जो सड़क है लगातार इसमें जो ट्रैफिक है उसकी यहाँ पर शिकायतें लगातार मिलती है। सामने बिजली ऑफिस है, कई सारे अधिकारी यहाँ पर रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ASP और IG के भी यहीं पर ही उनके भी ऑफिस है, और उनके सामने में ठीक सामने में यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा था। तो ये बड़ा सवाल बिल्कुल है। फिलहाल अब नगर निगम की टीम यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची है, लेकिन कब तक ये अतिक्रमण हटा रहेगा, क्या फिर से यहाँ पर ठेले गुमटी चालू हो जाएंगे, या निगम के अमला लगातार अपना सख्त रवैया अपनाते रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन गोपेन निर्मलकर के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।